ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने जैसे कि बताया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक पॉइंट होता है, जैसे कभी आप अपने किसी कंपनी में आप जब अकाउंटेंट बनोगे तो वहां पर आपने कभी लोन लिया, तो लोन लेने के बाद लोन लेने की एंट्री तो आप डाल दोगे, लेकिन जब इंटरेस्ट की बारी आएगी, उसकी इंटरेस्ट जो उतना उसके ऊपर लगा है उसकी एंट्री जब डालने की बारी आएगी, तो आपको बैंक से पूछना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट लगा, और फिर आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो कि यार वो उससे पूछना ना पचे और पड़े, और टैली में ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री हो जाए, तो वो कैसे की जाती है वो हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको F11 दबा करके अकाउंटिंग फीचर में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन खोलना है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर में जाके इसे यस करोगे और एक एडवांस पैरामीटर का इस ऑप्शन को भी यस कर दोगे। इन दोनों को यस करके एक्सेप्ट करा दोगे। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करा दोगे यहाँ पे जाकर के, अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, जैसे आप एंट्री करोगे, पहले लोन की एंट्री करोगे, लोन लेने की। तो जैसे आपने जिस दिन लोन लिया, जैसे मान लीजिए मैंने 1 मई को लोन लिया, तो मैं डेट डालूंगा F2 करके 1 मई। जब मैं लोन लूंगा तो किस में एंट्री करूंगा मैं, बताओ, कंट्रा, पेमेंट रिसीव, जनरल, सेल्स, किस में करूंगा? बताओ सर, जनरल। जनरल, अच्छा, ओके। अतुल सर, जनरल सर, जनरल। आशीष, किसमें करेंगे? अरे भाई पैसा रिसीव कर रहा हूँ, लोन रिसीव कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा, लोन लूंगा तो रिसीट, रिसीट सर, रिसीट, रिसीट, रिसीट में आएगा ना भाई, पैसा रिसीव हो रहा है उसमें। तो एंट्री क्या करोगे, पहले एंट्री ये नहीं करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, जो भी बैंक से आप लोगे, तो एंट्री आप कहाँ करोगे, रिसीव आउट में, लोन एंट्री, लोन देने की एंट्री आप करोगे, जैसे आपने अगर क्रेडिट में, तो आप यहाँ पे करोगे ऑल्ट सी करके, क्योंकि एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक लोन। हाँ, तो क्रेडिट साइड पे लोन आएगा, तो पहले लोन बताना है आपको, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप बनाओगे लोन फ्रॉम HDFC। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डालोगे सिक्योर लोन के अंदर। अब यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, कॉस्ट सेंटर इफेक्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो पूछ रहा है क्या इस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट वैल्यू लगेगी। हाँ, जो आप लोन ले रहे हो उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट लगा, कितना परसेंट लगाना है, तो वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट जब मैं करूँ तो उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा, वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दो। तो मैं इसे यस करूंगा और यहाँ पे पूछेगा इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो पूछ रहा है कि जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो क्या, जब पहली तारीख, मतलब जिस दिन आपने लोन लिया, जैसे मैंने 1 तारीख को लोन लिया और 31 तारीख को मैं ड्यू कर रहा हूं, तो क्या जिस दिन आपने लोन लिया तो उस दिन, भाई अगर 1 तारीख से 31 तारीख तक ड्यू करूंगा तो 31 दिन होते हैं, लेकिन अगर मैं 2 तारीख से काउंट करूंगा तो 30 दिन होते हैं, तो क्या जिस दिन लोन लिया था उस दिन को भी कैलकुलेट करने के टाइम पे कंसिडर किया जाए? तो मैंने कहा यस, यस सर, यस। ठीक है, उसने पूछा कि क्या जिस दिन डिडक्ट हो रहा है, जैसे 31st, तो क्या 31st वाली जो एंड डेट जिस दिन तक आप डिडक्ट कर रहे हो उस दिन को भी कैलकुलेट कर, एडिट करने का वो कैलकुलेशन के टाइम पे लिया जाए? तो मैंने कहा यस। कितना परसेंट? तो मैंने बोला 10%, 10% इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट जो लगेगा पर मंथ, 10% क्या है, पर मंथ है, पर एनम है, तो आपने बोला पर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर भी दे सकते हो, कैलेंडर मंथ भी दे सकते हो, और अगर आप ईयर वाइज बोल रहे हो तो 365 डेज ईयर बोलो, तो क्योंकि डेज वाइज भी कैलकुलेट कर लेगा, 30 दिन का कैलकुलेट करना है, 40 दिन का कैलकुलेट करना है, 45 दिन का कैलकुलेट करना है, तो वो भी कर लेगा। तो 365 डेज, मतलब 10% जो है वो पर ईयरली है, लेकिन 365 डेज ईयरली वाला लिया हमने। अब जो ये ब्लेजर में बना रहा हूँ लोन फ्रॉम HDFC बैंक, इसका जो है कौन से बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए? भाई इसका क्रेडिट बैलेंस ही तो आएगा, लोन हमारा लाइबिलिटी होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही जाएगा। भाई अगर 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख के ऊपर, मान लीजिए मैंने 20,000 चुका दिया, तो आप क्रेडिट कितना रह गया 80,000 रुपये, तो 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए। मैंने 20,000 और चुका दिया तो अब 60,000 के ऊपर लगना चाहिए, तो जितना क्रेडिट बैलेंस होगा इस लेजर का उतने के ऊपर लगना चाहिए, आए ना? यस सर, यस सर, है ना? तो इसलिए हम क्रेडिट बैलेंस रखेंगे। डेबिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता ना लोन का, लोन तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसका डेबिट बैलेंस दिखे कि भैया हम जब पैसे देना है, ठीक है, वो तो आ नहीं सकता, हमें देना देना आएगा, लेना तो आ नहीं सकता ना कि हमने लोन लेना है, हमने पैसे दे रखे हैं, ठीक है ना, उसका बैलेंस तो हमें डेबिट आ नहीं सकता, क्रेडिट ही आएगा, हम एक्स्ट्रा पैसा तो जमा नहीं करेंगे उसमें।
ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ऑल बैलेंस रख लो, क्रेडिट बैलेंस रखेंगे फिलहाल, और यहाँ पे रखेंगे किस दिन से अप्लीकेबल होगा, जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से अप्लीकेबल होगा, किस दिन तक अप्लीकेबल रहेगा, ये वाले जो रेट है, हो सकता है आपके जो बैंक से बात हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि 10% जो रेट रहेंगे वो 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक रहेंगे, ठीक है, और हो सकता है देखो जो इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आए वो पॉइंट्स में आ सकती है, 1.5, जैसे मान लीजिए 100.5 आ गया या फिर 25.5 ऐसे करके पॉइंट्स में आ सकती है, तो आप उसे राउंड ऑफ करना चाहते हो कितने के मल्टीपल में, 1 के मल्टीपल में, क्लियर है। इसके बाद भाई 31 जुलाई के बाद भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 31 जुलाई के बाद क्या 1 अगस्त से कब कितना रेट हो गया 12%, ठीक है, वो भी पर एनम में क्रेडिट बैलेंस में लगेगा, 1 अगस्त से लगेगा, 1 अगस्त के बाद लगा तो 1 अगस्त से लगेगा, और कब तक लगेगा रेट, अगर आपको पता है कि ये कब तक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दो, मतलब जब तक आपका लोन लगे चलेगा जब तक आप 12% ही रहेगा तो आप 12% में छोड़ दो, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर ये जो ऊपर आपने दोनों यस करे सर, अमाउंट एडेड और अमाउंट डिडक्टेड एक बार ये समझा दीजिए सर फिर से, कौन सा वाला, ये दोनों ऑप्शन देखो, ये दोनों सर ये क्यों करे, ये यहाँ पे इसने पूछा है कि जब आप इंटरेस्ट की एंट्री डालोगे ना, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट की एंट्री डाली मैंने 31 तारीख को, आज मैंने लोन कब लिया 1 तारीख में, 1 मई में लिया, 31 मई को मैंने इंटरेस्ट की एंट्री डाली, ठीक है, तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो वो जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन को भी कैलकुलेट कंसीडर करें, मतलब पहली तारीख को भी कंसीडर करें जिस दिन आपने लोन लिया था, क्योंकि लोन मैंने लिया था 1 तारीख को, अगर 1 से लेकर 31 तारीख तक काउंट करते हैं तो 31 दिन होते हैं, और अगर जिस दिन आपने लोन लिया था उसको छोड़ दें 30 दिन होते हैं 2 तारीख से, तो वो पूछ रहा है कि फॉर अमाउंट एडेड, जिस दिन आपने एड मतलब लिया था लोन उस डेट को भी एड मतलब एड करें, तो मैंने कहा यस। दूसरा, जिस दिन आप डिडक्ट कर रहे हो मतलब जिस दिन आप इंटरेस्ट काट रहे हो 31 तारीख, क्या उस तारीख को भी कंसीडर करें, तो वो मैंने बोला यस। समझ में आ गया? ओके ओके सर, ठीक है। और सर ये सर पहले 10% और फिर दूसरे मंथ में 12% क्यों हुआ सर? 12% नहीं, जैसे मान लीजिए मैं बैंक के पास गया लोन लेने, तो मैं 1 मई में लोन लेने गया था ना, तो बैंक ने बोला देखो ये जो आप लोन ले रहे हो ना, ये वजह जो 10% है वो 10% रहेगा 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक, ये मैंने डाल दिया कि ये जो रेट रहेगा बैंक ने हमें बोला था, तो मैंने वही रेट यहाँ पे डाल दिए कि भाई हो सकता है ना कि मतलब बैंक ये बोल दे, एक तो होता है कि फ्लैट रेट में, और हो सकता है बैंक ने बोला कि देखो भाई पहले तो आपका 1 मई से लेकर जुलाई तक 31 जुलाई तक तो रेट रहेंगे 10%, उसके बाद 1 अगस्त के 1 अगस्त से आपके जो रेट हो जाएगा इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10-12% लगेगा, करेक्ट है। अच्छा, मतलब सर बैंक ने सिर्फ एक कोटेशन दे दिया कि अगर आप मई से जून जुलाई तक में लोगे तो अब तो 10% लगाएंगे, और उसके बाद कभी भी लोगे तो 12 लगाएंगे। नहीं लेंगे, नहीं हम लोन ले लिए, हम मई में लोन ले रहे हैं, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने हमें वो दिया एग्रीमेंट करके दिया कि भाई आप जो लोन ले रहे हो उसमें रेट्स जो होंगे वो बदल जाएंगे, कब बदल जाएंगे? अच्छा, कि मतलब मई से जुलाई तक 10% 10% रहेगा, और उसके बाद और फिर उसके बाद से 12% लोन के पूरे ड्यूरेशन तक। और अगर वो ये बोल देता 1 मई के बाद हमेशा 10% रहेगा, तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे डाला हुआ है 31 जुलाई इस जगह पे ब्लैंक छोड़ देता, जैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, इसके आगे जाता ही नहीं। और सर ये क्रेडिट बैलेंसेस ओनली क्यों लिया सर? क्योंकि लोन है इसलिए, हमारी लायबिलिटी है इसलिए। लायबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस पे तो कटेगा भाई, लोन का जो बैलेंस आएगा। और सर अगर हम क्रेडिट ही तो होगा ना। और सर अगर हम ऑल बैलेंसेस लेते तो उससे क्या होता है? ऑल बैलेंसेस से लेते तो देखो, उससे ऑल बैलेंस लेते ना तो डेबिट बैलेंस आए तो क्रेडिट बैलेंस आए, दोनों पे कट जाएगा, ठीक है भाई। इस लेजर का जो लोन का लेजर है ना, लेकिन सर डेबिट लेगा तो वो गलत तो नहीं होगा भाई? डेबिट तो पहली बात तो हो ही नहीं सकता, लोन का जो लेजर होगा वो कभी डेबिट जा सकता है? आपने लिए लोन 1 लाख रुपए का, तो आपने 1,20,000 पे दे दिया, तभी तो डेबिट जाएगा 20,000 से, तो सर वो टैली खुद ही उठा लेगा कि लोन है तो क्रेडिट होगा। हाँ, नहीं वो अपने आप उठा लेगा, क्या मतलब वो? क्योंकि देखो लोन जाएगा नहीं ना, अगर गलती से चले गया डेबिट तो डेबिट पे उठा लेगा, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली कि कभी गलती से डेबिट चले गया तो वो उठाए ना, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट ना काटे। ओके सर, ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट कर दिया कि क्रेडिट बैलेंस के ऊपर ही कटना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में भाई, जो लोन होता है ना, आगे सर आ गया, आगे ना, तो मैं अभी से एंटर करके एक्सेप्ट करा दूंगा, तो मैंने ये सेटिंग कर दी इस लेजर में जिसमें मुझे जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है उस पर मैंने ये पूरी सेटिंग कर दी। अब मैंने यहाँ पे डाला कि मैं 1 मई में लोन ले रहा हूँ, कितने का? 1 लाख का। तो यहाँ पे क्या करूंगा बैंक? हाँ सर,
चीज ना समझ में फिर से पूछ लेना। ये मैंने बैंक से लोन लिया, जो मैंने लिया है HDFC बैंक का चेक लिया है, क्योंकि मैंने HDFC बैंक का, तो मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी। अब ये जो मैंने डिटेल डाल दी, ये मतलब क्या है, मैंने लोन लेने की एंट्री डाल दी है, क्लियर है। अब इसके बाद मैं देखना चाह, आज हो गई है 31 मार्च, मान लीजिए क्या हो गई है 31 मार्च, मैं डेट चेंज कर देता हूँ, 31 मार्च हो गई है आज, पूरा साल खत्म हो गया। अब पूरा साल खत्म होने के बाद मुझे इंटरेस्ट लगाना है कि जो मैंने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट कितना आया होगा, वो मुझे बैंक से पता करना पड़ेगा। तो मुझे पता करने की जरूरत ना पड़े, मुझे ये टैली बता दे पहले। अगर आपको चेक करना है तो आप कहां से जाके चेक कर सकते हो, आप डिस्प्ले पे जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओ, कहां गया देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, डिस्प्ले पे गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गया, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट मेरे को देना होगा या लेना होगा, पेबल आएगा, पेबल होगा, पेबल आएगा, पेबल में देखेंगे, ठीक है। पेबल में हम गए, टेबल में जाके देखा, देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, देखो 31 मई तक बता रहा है कि इसके ऊपर कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, 849, लेकिन मुझे 31 मार्च तक देखना है, तो आप पीरियड चेंज करो, 31 मार्च तक खोल के देखो, तो उसने बता दिया कि 10,10,510 इंटरेस्ट वैल्यू आएगी इसके ऊपर। कैसे आई भाई ये, एंटर करके खोला, सिक्योर्ड लोन है, कौन से सिक्योर्ड लोन है, जो आपने लोन फ्रॉम HDFC लिया था वो है। कैसे आया ये कैलकुलेशन, तो उसने बता दिया 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक 92 डेज होते हैं, 10% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट लगा। 1 अगस्त से 31 मार्च तक 243 डेज होते हैं, जिसमें 12% इंटरेस्ट लगा, ये टोटल इंटरेस्ट ही आया। आया समझ में, ये तो आया। आप देखना चाहते हो, अगर एंट्री करना चाहते हो तो कौन से, अब देखो फिर से मैं बताया तो कहां पे जाके मैंने चेक करा, गेट ऑफ टैली में आप डिस्प्ले पे गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर इंटरेस्ट पेबल। कि अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है, तो कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, जनरल वाउचर में, क्योंकि इंटरेस्ट हमें ड्यू करना है, तो जनरल वाउचर में एंट्री हो सकती है, क्योंकि ना तो इसमें पैसा जा रहा है ना आ रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा 31 मार्च में, क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी करके मैंने बनाया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेबिट टू लोन ही तो करूंगा, लोन अकाउंट, यस सर, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालूंगा। सर ये ड्यू क्यों, ये कटेगा नहीं क्या हमारा हर महीने, मैं एक साल का एक बार में डाल रहा हूँ। अच्छा, मतलब बिल्कुल साल के एंड में कटेगा जितना भी अमाउंट होगा। साल के एंड में डाल रहा हूँ, महीने का महीने नहीं, साल का एंड का डाल रहा हूँ बस। अच्छा अच्छा, सर ये इंटरेस्ट जो है ये ईयर के एंड में कटेगा पूरा का पूरा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर मैंने हर महीने का हमने ये देख लिया की हर महीने मतलब उसने कितना लगाया, वो जो बैंक ने कोटेशन दिया था की 3 महीने का 92 डेज वाला और वो 243 डेज वाला, राइट, ये हमें कैलकुलेट करके बता दिया उसने की 31 मार्च तक कितना कितना इंटरेस्ट लगा है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं पे जाओ, आप यहाँ पे गए, इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गए, इंटरेस्ट पेबल में गए, आपने यहाँ पे पीरियड खोल दिया कि भाई आपको मई के महीने का जाना है, पीरियड को लो फर्स्ट मई से लेकर, क्योंकि आप फर्स्ट मई में लोन लिया था, फर्स्ट मई से लेकर 31 मई तक बताओ भाई, तो उसने बता दिया 849। फिर आपने बोला कि मुझे तो भाई अब 1 जून से लेकर के 30 जून तक बताओ, तो वो भी बता देगा, ठीक है ना वो है। अच्छा सर, लेकिन इसमें अगर हमें जैसे एक साथ ही देखना हो कि इसने हर महीने पे कितना लगा, वो नहीं बताया, वो नहीं दिखेगा, वो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को एंट्री करनी है इसके पास साल के एंड में ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अब मैं यहाँ पे गया, इंटरेस्ट मेरे को एंट्री क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक। अब इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने लेजर ले लिया, यहाँ पे वैल्यू क्या डालू, जो भी पूरे साल भर में इंटरेस्ट आएगा वो वैल्यू, अब मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। तो देखो जनरल वाउचर में एंट्री नहीं होती, जब कभी भी आपको एंट्री करनी होती है ना तो वो क्रेडिट नोट में एंट्री होती है, किसमें होती है, क्रेडिट नोट में। आपको जब किसी को पैसा देना होता है ना तो आपको क्रेडिट नोट देना होता है, ठीक है ना, जैसे आपके ऊपर कोई ड्यू चार्ज होते हैं तो आप क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करते हो, ठीक है। हेलो
सर मतलब लेकिन इसमें हम सर जनरल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो साल के एंड में जब कर रहे हैं तो फिर वो तो पेमेंट होगी उसकी, तो हम पेमेंट से पहले ड्यू कर रहे हैं ना, पेमेंट्स में पहले ड्यू करेंगे और फिर ड्यू कर रहे हैं फिर बाद में पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। हाँ, बाद में पेमेंट की एंट्री करेंगे। अच्छा, और सर जनरल में नहीं क्रेडिट नोट में करना पड़ेगा? हाँ, जनरल में करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ना वो वैल्यू उठ कर नहीं आएगी। ओके ओके ठीक है सर, तो मुझे ऑटोमेटिकली अगर वैल्यू लानी है तो क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा मैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। क्रेडिट नोट में करने से पहले लेकिन मुझे क्रेडिट नोट को भी ऑल्टर करना पड़ेगा, उसे ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली अपना आप उठ के आ जाए। तो कैसे करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे क्रेडिट नोट को ऑल्टर करने के लिए, वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे और क्रेडिट नोट को यहां से ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, एंटर एंटर करते हुए जाएंगे और यहां पे जाकर के यहां पे लिखेंगे क्लास। देखो क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि भाई कैलकुलेट जो करें, क्योंकि दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की तरह, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करें तो मैंने एक क्लास बना दिया सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप उसी लिए दोनों ऑप्शन यस करने, वो सिंपल इंटरेस्ट समझ जाएगा। सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपको ऊपर वाला ऑप्शन यस करना है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं करना, तो आप इसे नो रख दोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप बनाओगे तो दूसरा क्लास बना रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पेलिंग कुछ भी डालो या लिखो किसी तरीके से भी, ऑप्शन ये वाला जब आप करोगे तो उसी से पता चलेगा। दोनों ऑप्शन यस करने का मतलब है आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास बना दिया। अब एंटर कर दोगे, एक्सेप्ट कराओगे, अब इसके बाद एंट्री करने के लिए जाओगे क्रेडिट नोट में। ठीक है, क्रेडिट नोट में जाओगे, जैसी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेट, जो डेट डालोगे वो ऑटोमेटिकली वहीं पे उठा लेगा। तो क्रेडिट नोट खोलोगे आप, क्रेडिट नोट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में करनी है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, एंटर करा। इसके बाद यहाँ पे एंटर करते हुए आए, यहाँ पे मैंने लिया, देखो एंट्री क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट लोन फ्रॉम एचडीएफसी, तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी को क्रेडिट करना है, तो ऑटोमेटिकली अपना आप आ रहा है। एंटर जैसे मैं पारूंगा तो वो वैल्यू अपना आप उठ के आ जाएगी, 31 मार्च को जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो अपना आप उठ के आ गया, मैंने तो ही डाला यहाँ पर है ना, तो ये बेनिफिट हो गया मेरा। एंटर करा, यहाँ पे आया, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया और ये एंट्री की ड्यू हो गई। जब पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या कर दूंगा, लोन फ्रॉम एचडीएफसी डेबिट टू बैंक। आपने बोला ना कि जब आप पे करोगे, हाँ, पेमेंट करोगे तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा ना। नहीं सर, आपने बोला ना लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो सर वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बनाया था वो नहीं होगा सर डेबिट, वो तो एक बार हो गया ना इंसेंटिव में ड्यू। अच्छा भाई, इसमें ड्यू हो गया ना वो एक बार, दो दो बार क्यों नहीं ड्यू होगा इंटरेस्ट, एक इस एंट्री में ड्यू कर दिया ना हमने, इंटरेस्ट खर्चा बुक कर लिया ना इसने, इस वाली एंट्री में हमने लायबिलिटी जनरेट कर दी ना ये वाली। ठीक है भाई, जब हम, जब एक चीज बताओ, जब हम कुछ से उधार सामान खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सामान खरीदा तो सन्ड्री मतलब जो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर करते हैं, और जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो सर सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू कैश या जो टू बैंक, फिर हमने परचेज तो नहीं लिया ना फिर से हमने। ठीक है सर, ठीक है ना, तो सेम चीज यहाँ पर है, पहले हमने इंटरेस्ट बुक कर लिया, बुक हमने इसमें डाल दिया ना, वो क्रेडिट लायबिलिटी जनरेट कर दी कि अब 10,500 हमें देने, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को, तो हम जब पेमेंट करेंगे तो इसी से तो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है सर, हाँ जी सर, एक और केस बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आप क्या होता है कि जब आप डेटर्स, ये तो हुआ आपको, जब आपको इंटरेस्ट पे करना है आपको भी तो इंटरेस्ट लेना होता है कभी कभार, वो कंडीशन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई लोन, मैंने मान लीजिए किसी को सामान बेचा और मैंने उसे बोला 15 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, नहीं दिया तो मैं तेरे पास इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो अब उसने पेमेंट नहीं करी तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली वो देखो। देखो
मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेचा, सेल्स करी, कौन से तारीख को? फर्स्ट मई में मैंने करी, उसका नाम डाला मैंने अजय, अजय नहीं मैं नाम कुछ और डाल देता हूँ, रजत, रजत एक बंदा है, उसे मैंने सेल कर रहा हूँ, वो मेरा सन्ड्री डेटर है। अब जब उसे सेल कर रहा हूँ तो मैंने बिल वाइज मेंटेन करना है, और उसे मैंने कितने दिन का टाइम देता हूँ, मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ बाई डिफॉल्ट, या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है? रजत को जब भी सामान बेचूंगा तो हर ट्रांजेक्शन में क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट हो? मैंने कहा यस, है ना भाई, आज सामान बेचा तो आज की पेमेंट 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, कल सामान बेचा तो कल के अकॉर्डिंगली 15 दिन आ जाने चाहिए, तो हर ट्रांजेक्शन जो भी पेमेंट हो रही है वो 15 डेज के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दे। हाँ, पेमेंट नहीं हो रही है, जो भी सामान हम बेच रहे हैं ना उसे, उसके 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए, इंटरेस्ट लगेगा। यस करा मैंने, कि देखो जैसे मान लीजिए हो सकता है मैंने आज रजत को सामान बेचा, उस पर मैंने बोला की 2% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तुमसे, क्या 2%? हो सकता है मैंने कल जो सामान बेचा, कल मैं जो सामान बेचूंगा उस पे मैंने उसे बोला कि भैया नहीं तेरे को 5% चार्ज करूंगा इस वाली, ये जो थोड़ा महंगा है और थोड़ा कॉस्टली भी है, इसलिए मैं तुझे ना 5%, अगर इसके टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो 5% करूंगा, खरीदना है तो खरीद, मत तो मत खरीद, क्लियर है? तो क्या ये मैं राइट ओवर राइट करने के, जो रेट मैं अभी देने जा रहा हूँ इसको ओवर राइट करने के अधिकार भी मैं चाहता हूँ? तो मैंने कहा यस। पूछा ना ओवर राइट पैरामीटर्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में आप फ्यूचर ऑल्टरेशन के लिए, हाँ तो आप ये राइट चाहते हो? मैंने कहा यस। एडवांस पैरामीटर को भी राइट चाहते हो चेंज करने का? मैंने कहा यस। ठीक है सर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर वो पूछी कि जब कैलकुलेट करें जिस दिन ऐड हुआ था, जिस दिन मतलब वो सामान बिका था उस दिन को भी काउंट करें? मैंने कहा यस। और जिस दिन डिडक्ट हुआ उस दिन को भी काउंट करें? मैंने कहा यस। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करें? मैंने कहा 2%। कितना परसेंट? 2% पर मंथ, मतलब 2% पर मंथ। तो पर मंथ या तो कैलेंडर मंथ ले लो या 30 डेज मंथ, तो 30 डेज मंथ ले लोगे तो उसमें क्या होगा, 13 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो भी हो जाएगा, 14 दिन का करना है तो वो भी हो जाएगा, 15 दिन का करना है तो वो भी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया। अब जो 365 लेंगे वो नहीं चल पाएगा, 365 अगर लेंगे हम पर एनम ही है ना, पर एनम नहीं है, पर मंथ है 2%। तो सर कैलेंडर मंथ और 30 डे मंथ में कोई डिफरेंस है या सेम ही है? दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ना डे टू डे ले लेगा, दोनों में सही। अच्छा, है 30 डे मंथ में वो हर एक दिन को लेगा मंथ के, और कैलेंडर में तो पूरा मंथ क्या आप दो दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। ओके ओके सर, ठीक है, और मंथ मंथली भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आया, अब ये जो पूछ रहा है कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो कौन से, इसके कौन से बैलेंस पे लगे, डेबिट बैलेंस पे, क्रेडिट पे, या दोनों पे? डेबिट 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 पे लगना चाहिए ना, क्रेडिट बैलेंस पे क्यों लगेगा भाई, है ना, डेबिट बैलेंस पे लगना चाहिए इसका बैलेंस, है ना? Yes, sir. Debit balance ले लिया। Yes, क्या पूछा है? Always. मैंने कहा applicability always. Yes. अब इसमें पूछ रहा है कि जो interest calculation हो वो कब से start हो? जैसे मैंने पहले तारीख को सामान इससे बेचा, समझना ठीक है, फर्स्ट तारीख को, और मैंने बोला 15 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, मान लीजिए हो गए 17 तारीख आ गई लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो अब इंटरेस्ट कितने दिन का कैलकुलेट होना चाहिए? 2 दिन का, 15 तारीख के बाद जो 2 दिन बने 2 दिन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, या 1 से लेकर 17 तारीख को मैंने सामान बेचा, ठीक है, फर्स्ट तारीख को मैंने सामान बेचा तो मैंने उसे बोला 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है, ठीक है सर, 17 तारीख तक हो गया, 17 तारीख तक पेमेंट नहीं आई, ठीक है सर। अब मैं 17 तारीख को उसे ना जो ड्यू भेजूंगा भाई, जो मैं उसे बोलूंगा कि भैया मैं जो 17 तारीख को जो मैं पेमेंट भेजूंगा, तो मैं 17 तारीख को जो मैं उसे वो भेजूंगा, डिटेल भेजूंगा कि भैया एक काम करना, इसकी पेमेंट भेज देना, क्लियर है? तो मैं जो ड्यू चार्ज करूंगा उसे 2 दिन के चार्ज करूंगा, ये 1 साल के लिए, 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 17 दिन का, ये मेरे पर है ना, ये मैं बोलूंगा नहीं सर, 17 दिन तक क्यों चार्ज करेंगे? तुम्हें सामान बेचा तो मैं बोलूंगा तुम्हें कि देखो भाई, अगर 15 दिन से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो जिस दिन सामान बेच रहा हो ना उस दिन से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा।
अच्छा, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, या मैं ये बोलूंगा कि जिस दिन जो ड्यू डेट है उसके बाद से जितने दिन होंगे उतने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे पर है, ये हम क्या कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपने क्या पॉलिसी उसके साथ सेट सर, एक मिनट सर, मतलब ये कह रहे कि या तो अगर 15 डेज के बाद वो नहीं कर पाता तो वो पूरे फर्स्ट से लेके 15 डेज को भी गिनेगा और जो दो दिन पे नहीं हुई है उनको भी गिनेगा, तो वो मतलब हो गया इफेक्टिव डेट। या फिर आप ये कह रहे हैं कि 15 डेज के बाद जब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। ओके ठीक है सर, अगर मैं ये बोलता हूँ पहली तारीख से कैलकुलेट स्टार्ट होगा तो इफेक्टिव डेट, आपको क्या रखना है इफेक्टिव डेट कि भाई कैलकुलेशन, देखो पूछा ना कैलकुलेशन फ्रॉम कौन सी डेट से कैलकुलेशन स्टार्ट हो, तो अगर इफेक्टिव डेट रख लिया पहली तारीख से कैलकुलेट स्टार्ट हो जाएगा, और ड्यू डेट रखा तो ड्यू डेट के बाद। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर, यस सर, आगे ठीक है। तो मैंने ड्यू डेट रख लिया, ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट के बाद जो दो दिन बचेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट से फेल्यू आया तो नॉर्मल राउंडिंग कर दे वन के मल्टीपल में और एक्सेप्ट करा दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेल करी और यहाँ पे जाकर के मैंने क्या बेचा, मान लीजिए मैंने पेरेंट्स ऑयल बेचा, कितने 10 बेचे और एक है 1000 रुपए का या 10,000 का, 1,00,000 का सामान मैंने बेच दिया, क्लियर है? अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना तू जरूर कि भाई जब एंटर करते हुए आओगे ना तो यहाँ पे जब वैल्यू पहुंच जाएगी इसके बाद एंटर करोगे तो ये वाला पेज जरूर खुलना चाहिए, किससे पूछे आपसे कि इस इनवॉइस का बिल नंबर बताओ भाई क्या है, पूछे बाय डिफॉल्ट ना उठा ले, पूछे आपसे कि इसका बिल नंबर बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे बिल नंबर बताया B005 जो भी है, क्लियर है? ठीक है। और इसने आप एंटर करके एक्सेप्ट कराओगे फिर आपसे ये पूछेगा यहाँ पर, देखते मैंने बोला था ना वहां पर, मैंने बताया था ना जब मैं ऑल्टर कर रहा था कि वो ओवरराइड करने का अधिकार भी मांगे, हो सकता है मैं बदल दूं कि भाई इस जो रेट हो 5% हो, याद आया? ठीक है सर, याद आ गया। कर रहा था ना ओवरराइड का, तो हो सकता है मैं पॉलिसी चेंज करना चाहता हूँ कि नहीं नहीं भाई मैं तो भाई 2% ले लूंगा इस इनवॉइस में, मैं लूंगा तुमसे 5%, तो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज वही रखना है तो सेम रखो। अच्छा एक चीज सुन लो, ये वाला जो ये जो ऑप्शन है ये कब नहीं खुलता, अगर आपका ये वाला ऑप्शन देख लो F12 दबा के, F12 दबा के ये वाला देखना ऑप्शन, ये नो रहना चाहिए, अगर ये यस होगा तो इसका मतलब क्या है, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, मतलब मुझसे ना बार बार मत पूछे करो, मैं बोल रहा हूँ मुझसे मत पूछे करो कि बिल नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, बाय डिफॉल्ट ये वाला जो इस सेल का नंबर है वही बिल नंबर बना दिया करो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को ना यस रख लेते हैं, तो इसलिए वो हमसे पूछता नहीं है, बाय डिफॉल्ट वही बिल नंबर ले लेता है जो इस वाउचर का नंबर है, लेकिन अगर आप मैनुअली डालना चाहते हो तो इस ऑप्शन को बंद कर दो, समझ में आ गया? तो आपका इस ये नो रहना चाहिए, ठीक है? एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। अब सेम चीज अगर आपको चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है तो वो सेम चीज आप जहां कहां से जाके देखोगे, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गए, इंटरेस्ट पेबल आएगा रिसीवेबल आएगा, इस बार रिसीवेबल आएगा, तो यहाँ पे गए, डेट डाली तुमने, कौन सी डेट तक का देखना है, 31 मई से लेकर के 31 मई तक का देखना है, क्योंकि आज 31 मई है तो 31 मई हो गई, अभी तक पेमेंट नहीं आई, तो मैंने देखा कितना इंटरेस्ट हुआ 1067 का, कैसे एंटर करके खोल के देखा तो रजत का है, कैसे निकला ये निकाल के बता, तो ड्यू डेट के बाद बोला था ना, तो 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 16 दिन होते हैं, तो 16 दिन का इंटरेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री डालूंगा कहां पे करूंगा, डेबिट वाउचर में, इसमें डेबिट नोट में, डेबिट वाउचर। अब इसमें डेबिट नोट को भी मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा, यहां पे जाऊंगा वाउचर टाइप में जाऊंगा ऑल्टर में जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा डेबिट नोट, और यहां पे भी सेम वही चीज बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों यस करूंगा और एक्सेप्ट करा दूंगा। सर सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बनाना सिखा दिया था आपको, इसमें जरूरत नहीं है, नहीं एक बनाओ ना बस, एक जो इतना चार्ज सर, तो मोस्टली हम कंपाउंड ही बनाते हैं। हाँ हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना हमारी पॉलिसी, हमने कौन सा चार्ज करने के लिए बोला है। अच्छा कि हमारी क्या वो है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करा, अब मैं इसमें कहाँ पे करूंगा, डेबिट वाउचर में, डेबिट नोट में गया मैं, डेबिट नोट में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट खोला, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो डेट डालोगे उस डेट तक इंटरेस्ट चलेगा, मैंने 31 मई डाली,
इनवॉइस नंबर डाला B005, बिल नंबर था जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, बिल डेट जो थी वो 1 मई थी जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, रजत के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ तो रजत को डेबिट करूंगा। देखो अपने आप आ गया, 31 मई तक जितना भी इंटरेस्ट जो हो रहा है 1067 अपने आप आ गया, और यहाँ पे डाला मैंने इंटरेस्ट ऑन सर, मतलब इसमें किस डेट तक इंटरेस्ट चार्ज होना है वो भी हम डालेंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो तो हमारी मर्जी है ना, हम कब तक कब एंट्री कर रहे हैं बस, वो मतलब डेबिट नोट की डेट ही वही डालेंगे हम। हाँ 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 एंड डेट, वो एंड डेट हम डालेंगे तो उसी डेट तक उठा लेगा वो। ठीक है ठीक, ठीक है ये एक्सेप्ट कराया हमने और ये एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है भाई एंट्री पास होगी हमारी। ठीक है ना, ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, कोई डाउट है तो पूछो। अरे सर वो सिंपल इंटरेस्ट तो वो होता है ना जो एक ही इंटरेस्ट हर हर महीने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप फर्स्ट टाइम लगा ना वो हर महीने वही लगेगा। और सर कंपाउंड में क्या होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना। हाँ ठीक है, मतलब जैसे सर अगर जैसे 16 डेज के बाद जैसे 17 डे पे जो इंटरेस्ट लगा है उसको भी अमाउंट को उस टोटल अमाउंट में वो ऐड करेगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा कंपाउंड में। वही, और सिंपल में रोज डेली एक ही रेट लगाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, डेली नहीं महीने में।